वेलकम बैक गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल फिटनेस पे। पहले तो मैं आप सबका थैंक यू करना चाहता हूँ कि आपने मेरी पहली और दूसरी वीडियो को बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ वेट लॉस एक्सरसाइज के बारे में बात करूँगा। इस वेट लॉस एक्सरसाइजेज को आप कहीं भी कर सकते हैं, जिम में, बाहर, पार्क में, छत पर, जहाँ मर्जी, जहाँ आपका दिल करे आप वहाँ कर सकते हैं। इन एक्सरसाइज के लिए आपको इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, आपको डंबल्स की ज़रूरत नहीं है, आपको जिम की ज़रूरत नहीं है। यू कैन डू इट वेन एवर यू वॉन्ट और वेर एवर यू। मैं ये एक्सरसाइज इसलिए दिखा रहा हूँ कि कोई लोगों के अंदर होता है यार कि मैं जिम नहीं जाता तो मैं एक्सरसाइज कैसे करूँगा। सो दीज एक्सरसाइज आर फॉर दोज पीपल जो जिनके पास टाइम नहीं है और फैमिली वाले हैं और स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ते हैं। अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हैं घर के अंदर ही, या हाउस वाइफ्स हैं तो आप अपने घर के अंदर ही इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज के 4 सेट्स होंगे, हर एक्सरसाइज की 15 रेपिटेशन होंगी और जो लास्ट एक्सरसाइज है जैसे कि प्लैंक, उसके अंदर आपको 1 मिनट करना है या आप कर सकते हैं 30 सेकंड्स या 20 सेकंड्स अगर आप नए हैं। मैं चाहता हूं पहले कि आप मेरी वीडियो देखें जिसमें मेरी एक्सरसाइज की हुई है, उसके बाद मैं दोबारा आपसे मिलूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, मैं ये चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जो बेल आइकन है आप इसको दबा दीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी आपको सबसे पहले पता लगेगा। मैं चाहता हूँ कि जब आपका फिटनेस गोल हो उस फिटनेस गोल में मैं आपके साथ हूँ, और अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है, अगर आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी डालिए। लेट्स गो एंड सी आर वीडियो फर्स्ट। जो पहली एक्सरसाइज है वो है बर्पीज। बर्पीज करने से आपका वेट लूज होगा, आपकी बॉडी स्ट्रेंथनिंग होगी, आपके कोर स्ट्रांग होंगे और आपके थाइस भी स्ट्रांग होंगे। बर्पीज करने के लिए पहले आपने क्या करना है, जो पहली बार बर्पीज कर रहे हैं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। बेंड योर नीज, पुट योर हैंड्स फॉरवर्ड, टेक योर फीट बैक, कम बैक टू योर ओरिजिनल पोजीशन, बैक हियर एंड स्टैंड। मैं दोबारा दिखाता हूँ। Bend your knees, put your hands forward, one foot back. So, जो burpees करने का सही तरीका है मैं वो भी दिखाता हूँ। So, put your hands in the front. Here. चल। So, मैं साइड से दिखा रहा हूँ। Put your hands in the front. चल। ये burpees करने का सही तरीका है, इसको आपने 15 बार रिपीट करना है, 4 सेट्स। और मेक श्योर अगर आप इंटरमीडिएट है, पहली बार कर रहे हैं, आप इसको 10 बार भी कर सकते हैं। स्लोली स्लोली जब आप करने बन जाएगा। जो सेकंड एक्सरसाइज है वो है वॉकिंग लंजेस। वॉकिंग लंजेस करने से भी आपका वेट लूज होगा, आपकी कोर स्ट्रेंथनिंग होगी, आपकी जो थाइज है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कई जो लोग होते हैं उनकी थाइस बहुत ज़्यादा हैवी होती है, तो ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है। मैं दिखाता हूँ कैसे करना है आपको साइड से पहले। पुट योर लेफ्ट फुट फॉरवर्ड, वॉच स्ट्रेट, पोजिशन बिल्कुल सीधी, बैक सीधी होनी चाहिए, बैक ऐसे नहीं करनी, ऐसे नहीं करनी, आगे नहीं करनी, ऐसे नहीं, हैज़ टू बी स्ट्रेट। एंड देन पुट द नेक्स्ट फुट फॉरवर्ड एंड देन पुट द नेक्स्ट फुट फॉरवर्ड एंड। मैं फ्रंट से दिखाता हूँ आपको। पहले एक फुट फॉरवर्ड, देन सेकेंड, देन एक फुट फॉरवर्ड, देन सेकेंड। एक और दो मिलाकर एक रेपिटेशन हुआ, फर्स्ट लेग सेकंड लेग वन रेपिटेशन। इसकी आपको 15 रेपिटेशन लगाने हैं। मेक श्योर आपकी बैक स्ट्रेट हो, कोई बेंड ना हो, ताकि कोई इंजरी ना आ जाए। गलत एक्सरसाइज नहीं लगानी, इज बेटर टू डू इट प्रॉपरली एंड टेक योर टाइम। और वॉकिंग लंजेस में क्या होता है, कई लोग कई बार नहीं कर पाते, उनके लिए बेस्ट ये है कि उनके पास अगर कोई पोल है या कोई दीवार है पास में, उसको पकड़ के साइड से 1 2 बेंड नहीं करना, मेक श्योर स्ट्रेट, 1 2 देन 3 4।
सो आप एक ही लेग पे 15 कर सकते हैं अगर आप वॉल पकड़ रहे हैं. सो मेक श्योर जैसे आप एक लेग के ऊपर 15 करें, 1, 2, 3, फिर जब आप सेकंड लेग लगाएं तो उस पर 15. और जो वॉक कर सकते हैं उसको वॉक करने के लिए जैसे मैंने पहले बताया है, 1, 2, 3, 4. सो जब आपने एक फीट आगे किया, सेकंड फीट आगे किया, वो आपका एक रेपिटेशन हुआ. इसके आपने 15 लगाने हैं. जो इंटरमीडिएट है या जो नए हैं वो 10 से भी कर सकते हैं. धीरे धीरे आपकी जो स्टेमिना बढ़ जाएगा. मेक श्योर बैक बेंड नहीं करनी, कुछ ऐसा नहीं करना ताकि आपकी इंजरी आ जाए, क्योंकि इंजरी से अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए वो चीज़ ठीक. तीसरी एक्सरसाइज जो है वो है डेड बर्पीज. डेड बर्पीज और बर्पीज में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, दोनों का काम सेम ही है, वेट लूज करना, बॉडी स्ट्रेंथनिंग करना, कोर स्ट्रेंथनिंग करना और थाई स्ट्रेंथनिंग करना. सो डेड बर्पीज के लिए आपने क्या करना है, गो ऑल द वे डाउन, लाइ कम ऑल द वे. मैं दोबारा साइड से दिखा रहा हूँ, गो ऑल द वे डाउन. जो लोग नए हैं जैसे कि मैंने पहले बताया है तो वो क्या कर सकते हैं, हैंड्स आगे, लेग पीछे, एंड बैक, हैंड्स ऊपर, लेग्स ऊपर, बैक. और जो एडवांस लेवल के हैं जिनकी एक्सरसाइज करने का स्टेमिना बहुत ज़्यादा है वो क्या कर सकते हैं, गो ऑल द वे डाउन, डेड एंड ऑल द वे, गो ऑल द वे डाउन, डेड एंड ऑल द वे. सो इसके भी आपने 15 रेपिटेशन लगाने हैं. अगर आप नए हैं आप 10 भी लगा सकते हैं. धीरे धीरे आपका इसमें भी स्टेमिना बढ़ेगा, आपकी एक्सरसाइज करने की जो कैपेबिलिटी है वो बड़ी हो जाएगी. जो फोर्थ एक्सरसाइज है वो है प्लैंक. प्लैंक के बारे में सबको पता होगा, जिसको नहीं भी पता मैं वो भी बता देता हूँ. जो तो एडवांस लेवल के हैं वो इसको 1 मिनट के लिए लगाएं, जो भी अभी स्टार्ट करें वो 20 सेकेंड्स. और मैं दिखाता हूँ कि प्लैंक करने का सही तरीका क्या है. सो गो डाउन, पुट योर हैंड्स फॉरवर्ड एंड लिफ्ट योर बॉडी अप. फेस स्ट्रेट होना चाहिए, बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए. जो आपकी बैक है ये बैक देखना बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए और लेग्स और ग्राउंड से ऊपर हो, फेसिंग स्ट्रेट. सो प्लैंक लगाने से आपके कोर में स्ट्रेंथनिंग आएगी, आपके लेग्स में स्ट्रेंथनिंग आएगी, बॉडी स्ट्रेंथनिंग होगी. बॉडी स्ट्रेंथनिंग करनी बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ है तो आपको एक्सरसाइज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. सो मैंने आपको सभी एक्सरसाइजेस दिखा दी हैं. अब मैं आपको एक शॉर्ट इंटरवल में आपको सभी एक्सरसाइज दोबारा दिखा देता हूँ. पहली है बर्पीज एंड जंप, सेकंड है डेड बर्पीज एंड जंप, थर्ड है वॉकिंग लंजेस, और जो फोर्थ है वो है प्लैंक. आई होप गाइस आपको सभी एक्सरसाइज समझ आ गई होगी, पसंद भी आई होगी. इन एक्सरसाइज को लगाने से आपका वेट लूज होगा, बॉडी स्ट्रेंथनिंग होगी, आपकी जो कोर है उससे भी स्ट्रेंथनिंग आएगी. शुरू शुरू में जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं थोड़ी सी तकलीफ आएगी स्टेमिना को लेकर, बट डोंट वरी, धीरे धीरे आपका स्टेमिना बिल्ड हो जाएगा. इन एक्सरसाइजेस को आप अपने दिन की रूटीन में 3 दिन मैक्सिमम 4 दिन कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपनी बॉडी भी रिकवर करनी है, उसके लिए आप 3 दिन रेस्ट कीजिए. अगर आपको और ज़्यादा दिन करना है आप 5 दिन भी कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है. मैं बस ये बताना चाहूँगा जिनको बैक की प्रॉब्लम है वो इन एक्सरसाइजेस को ना करें, क्योंकि ये थोड़ा सा बैक के लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जंपिंग इन्वॉल्व्ड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग इन्वॉल्व्ड है. बाकी इन एक्सरसाइज को कोई भी कर सकता है, किसी भी टाइम कर सकता है और कभी भी कर सकता है. आप इसको अपने वर्कआउट रूटीन में डालिए, आई एम डेफिनेटली 100% श्योर कि आपके वेट में लॉस होगा. मेक श्योर जब आप ये एक्सरसाइज शुरू करें 2 वीक्स के लिए कोई भी चीट मील ना करें, अपने आप को घर का खाना खाएं
और ज़्यादा से ज़्यादा यही करें कि घर का ही खाएं, बाहर से ना खाएं, जंक ना खाएं। मैं डेफिनेटली आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपका वेट लूज़ होगा। गाइस, आपके वेट में 2-3 किलोस का फ़र्क ज़रूर आएगा अगर आप इसको अपने अभी 2-3 वीक्स प्रोग्राम में डालिए, और फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के बताना कि आपको कितना फ़र्क पड़ा। और डेफिनेटली आपकी बॉडी में स्ट्रेंथनिंग 101% आएगी। ये मैं खुद भी कर चुका हूँ और मैंने कई और लोगों को भी कराया है, तो उनके बॉडी की स्ट्रेंथनिंग में बहुत फ़र्क आया है। सत श्री अकाल, सलाम आदाब, मैं हूँ आपका दोस्त विशाल, आपके अपने YouTube चैनल विशाल फिटनेस से। मैं दोबारा से नई वीडियो लेके जल्दी आपके सामने आऊँगा। अब तक के लिए शुक्रिया, नमस्ते।